This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जनाब जी। सेशन का बकायदा आगाज़ करते हैं, ज़रा एक दफ़ा मुझे प्लीज़ कंफर्म कर दें इफ़ यू गाइज आर गेटिंग माई वॉइस लाउड एंड क्लियर, तो फिर हम लोग सेशन का आगाज़ करते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। FAR 1 की क्लासेस का हम लोग आगाज़ करने लगे हैं। कल हम लोगों ने इसकी एक ओरिएंटेशन की थी जिसमें हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि क्योंकि मेजॉरिटी तादाद आवाम की ऐसी है जिनको FAR, ये जो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का जो बेसिक टॉपिक्स हैं, फॉर एग्जांपल बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, डबल एंट्री एंड बुक कीपिंग वगैरह, ये आती हैं। कल जब मैंने पूछा कि बताएं कि कितने लोग ऐसे हैं जिनको इन बेसिक्स एरियाज में प्रॉब्लम है, तो 24% लोगों ने ये कहा था कि उनको ये एरिया नहीं आता है। ठीक है, तो फिर बहरहाल उसके अलावा कुछ और थे जो इम्पोर्टेंट थे, जिसके बगैर अगर मैं आपको FAR 1 पढ़ाना शुरू करूंगा तो डेट विल नॉट बी ए गुड आइडिया, और ऐसे लगेगा कि जैसे मैं सिर्फ लैपटॉप को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए फिर मैंने ये प्लान किया था कि मैं आपको एक तो ओवरव्यू दे दूंगा, जो मैंने चीज़ें पिछले 3 लेक्चर्स में पढ़ाई थी जिसके बाद मैं क्लासेस को कंटिन्यू नहीं कर सका था, और दूसरा फिर हम लोग अगले कुछ दिनों में 3-4 लेक्चर्स में बेसिक्स जो हैं उनको कंप्लीट कर लेंगे, ताकि जब हम लोग पढ़ना शुरू करें तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें आती हों। तो हम लोगों ने जो बिल्कुल बेसिक्स की जो चीज़ें पढ़ी थी, बेसिक्स ऑफ डबल एंट्री एंड बुक कीपिंग, अभी 10 मिनट में मैं उसकी रिवीजन कर दूंगा। पिछले जो 3 लेक्चर्स हमारे हुए थे उन तीनों लेक्चर्स के यूट्यूब के ऊपर जो वीडियो लेक्चर्स मौजूद हैं, जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर कर दी हुई है मैंने। ठीक है जी, वो वीडियो लेक्चर्स आप लोगों को बता दिए गए हैं, आपके ग्रुप में शेयर कर दिए गए हैं, वो आप लोगों ने देख लेना। हम लोगों ने उसमें पढ़ा ये था कि जो भी अकाउंटिंग होती है वो एक प्रॉपर डिफाइंड रूल सिस्टम प्रोसीजर प्रोसेसेस के थ्रू होती है, और अकाउंटिंग को अकाउंटिंग कहते ही इसलिए हैं कि वो हम लोगों ने एग्री कर लिया है कि एक ख़ास तरह के प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हम हमेशा अपनी एंट्रीज रिकॉर्ड किया करेंगे। हमने ये बात की कि कोई भी ट्रांजेक्शन जब हम परफॉर्म करते हैं तो उसके दो इफ़ेक्ट्स होते हैं। ठीक है, और इन दोनों इफेक्ट्स को अगर हम इकट्ठा लिख दें तो अकाउंटिंग एंट्री कहलाती है। अकाउंटिंग एंट्री के बारे में हमने कहा था कि दिस इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ए बिल्डिंग। ठीक है जी, जैसे किसी एक बिल्डिंग ब्लॉक की या किसी एक बिल्डिंग की जो बेसिक होती है, जो उसका बेसिक यूनिट होता है, वो एक ईंट होता है। ठीक है, सिमिलरली किसी भी अकाउंटिंग सिस्टम में के अंदर जो उसका यूनिट है वो उसकी अकाउंटिंग एंट्री है। पर हमने ये बात की कि अकाउंटिंग एंट्री करते हुए हम ओनर को और बिजनेस को अलग अलग ट्रीट करते हैं, और जो भी एंट्रीज हम करते हैं वो हम बिजनेस के प्रस्पेक्टिव से करते हैं, ओनर के प्रस्पेक्टिव से नहीं करते। हमने कहा कि जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी अकाउंट्स 5 तरह के हो सकते हैं, या जब आप कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो आप एक एसेट परचेज कर रहे होते हैं, या जब आप कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो आप एक एक्सपेंस पे कर रहे होते हैं। एसेट एक ऐसे रिसोर्स को कहते हैं जिसको आप परचेज कर लेते हैं और आप उसके ओनर बन जाते हैं। ठीक है, जैसे आपने गाड़ी को परचेज कर लिया, जैसे आपने कुर्सियाँ परचेज कर ली, AC पंखे वगैरह परचेज कर लिए, जैसे आपने कोई और ऑफिस इक्विपमेंट, कोई और यूज़ होने वाली चीज़ परचेज कर ली, और अब आप उसके ऑनर बन गए हैं। ठीक है जी, एसेट के अंदर फिर हम लोगों ने कहा था कि उसके डिफरेंट टाइप के यूजेस हो सकते हैं। एक ये हो सकता है कि आप उसको यूज़ कर रहे हैं ऑफिशियल एक्टिविटीज़ में, राइट, तो उनको हम लोग एसेट कहते हैं, नॉन करंट एसेट कहते हैं, NCA, नॉन करंट एसेट्स। फिर कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जो आपने परचेज किए हैं फॉर ट्रेडिंग पर्पजेज, यानी यूज करना है उनको ऐसे कि आपने उनको एक्चुअली सिर्फ सेल करना है। तो जब आप उसे सेल करेंगे तो सेल करने के बाद वो आपको उसमें जो भी उसका प्रॉफिट होगा वो मिलेगा। ठीक है, तो एसेट की दो तरह की टाइप्स हमने देखी, एक एसेट जो यूज होने हैं मल्टीपल ईयर्स में, ठीक है, उनको हम लोग नॉन करंट एसेट्स कहते हैं, और वो एसेट्स जो आपने सेल करने हैं उनको हम करंट एसेट्स कहते हैं, CA। ठीक
ठीक है। अच्छा, करंट एसेट्स में और नॉन करंट एसेट्स में और चीज़ें भी शामिल होती हैं, लेकिन वो हम इंशाल्लाह बाद में देखेंगे। फिर हमने कहा कि जब भी कभी हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो ऐसे हो सकता है कि हम एक्सपेंसेस कर रहे हों। एक्सपेंसेस ऐसी चीज़ों को कहते हैं जिनके हम यूज़र होते हैं, और ये दोनों चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी वजह से हमारा एसेट का आउटफ्लो होता है। और जब हम एसेट का आउटफ्लो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो उसको हम डेबिट इफेक्ट कहते हैं। सिमिलरली, अगर आपके बिजनेस में कैश आ रहा हो तो वो इन तीन में से किसी एक सोर्स से आता है। या तो वो ओनर से पैसा आता है, यानी कि ओनर ने क्या किया, कुछ पैसे इन्वेस्ट किए और बिजनेस शुरू कर दिया। ये जो ओनर से पैसा इनफ्लो होता है इसे हम कैपिटल कहते हैं। और ओनर के अलावा अगर किसी तीसरे बंदे से, किसी बैंक से, किसी दोस्त से पैसे ले लिए जाएं तो उसे हम लायबिलिटी कहते हैं। फिर हमने ये बात भी की थी कि पैसों के अलावा अगर हम किसी से कोई एसेट ले लें और पैसे ना दें, या अगर किसी से कोई एक्सपेंस यूज़ कर लें और उसके पैसे ना दें, तो वो भी हमारी लायबिलिटी बन जाता है। और फिर इनकम उन पैसों के सोर्सेज को कहते हैं जो आपकी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करके होते हैं, राइट। तो हमने ये बात की थी कि अगर बिजनेस में पैसे आ रहे हों तो इन तीन में से किसी एक सोर्स से आते हैं, और इन तीनों सोर्सेस को हम क्रेडिट नेचर के सोर्सेस कहते हैं। तो पांच तरह के अकाउंटिंग हेड्स हो गए, एसेट, एक्सपेंसेस, कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम। इनकी मूवमेंट का अगर हम जिक्र करें तो अगर किसी चीज़ में इंक्रीज हो रहा है तो हम कहते हैं कि जो उसका नेचर है वही इफेक्ट उस पर अप्लाई होता है, और अगर डिक्रीज हो रहा हो तो हम कहते हैं कि अदर इफेक्ट, यानी कि अदर देन द नेचर सेकंड इफेक्ट इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। दो तरह के इफेक्ट्स हमने पढ़े, एक होता है जी डेबिट इफेक्ट और एक होता है जी क्रेडिट इफेक्ट, ठीक है जी। तो इन दोनों तरह के इफेक्ट्स का हम लोगों ने बेसिक समझ लें। फिर हमने कहा कि जब भी कभी हम अकाउंटिंग एंट्री रिकॉर्ड करेंगे तो हम देखेंगे कि कौन से हेड में मूवमेंट आ रही है और वो मूवमेंट क्या आ रही है। तो दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट तावीज़ जो मैंने आपको कहा था कि इसको याद कर लें। अगर आपको मज़ीद डिटेल से ये चीज़ें चाहिए तो फिर आप वो वीडियो लेक्चर्स देखेंगे जो मैंने Day 1, Day 2 और Day 3 के YouTube पे शेयर करके आपके WhatsApp ग्रुप में लिंक शेयर किए हैं। अभी मैं सिर्फ इसकी समरी डेवलप कर रहा हूँ ताकि हम लोग एक प्रस्पेक्टिव में आ जाएं कि किस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोगों ने डिफरेंट टाइप की अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स देखी थी और उनके अंदर कौन कौन से हेड्स इफेक्ट हो रहे हैं और उसकी डबल एंट्री कैसे होगी वो देखा था, ठीक है जी। डबल एंट्री के अंदर हम लोगों ने फिर उसकी समरी कुछ इस तरीके से बनाई थी कि जो डबल एंट्री होती है इसमें मेजॉरिटी ट्रांजेक्शन्स कैश बेसिस ट्रांजेक्शन्स होती हैं, ऐसी ट्रांजेक्शन्स जिनमें के कैश इन्वॉल्व होता है। तो किसी ऐसी ट्रांजेक्शन में जिनमें कैश इन्वॉल्व होता है हमारे लिए ज़िंदगी बड़ी आसान होती है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले आप देख लें कि कैश या बैंक के साथ क्या हो रहा है। अगर कैश इनफ्लो हो रहा है तो उसको डेबिट कर दें और कैश आउटफ्लो हो रहा है तो उसको क्रेडिट कर दें, ठीक है जी। तो एंट्री में एक डेबिट और एक क्रेडिट होता है, आपको पता है। तो आपको जो डेबिट इफेक्ट है वो पता चल गया, और क्रेडिट इफेक्ट फिर दूसरा अकाउंट इफेक्ट हो रहा होगा, वो इनकम हो सकता है, वो एसेट हो सकता है, वो लायबिलिटी, वो कैपिटल, वो एक्सपेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो पहले, सबसे पहले अगर आप देखेंगे ट्रांजेक्शन के अंदर कैश इन्वॉल्व है तो आप सबसे पहले ये आइडेंटिफाई कर लें कि यार कैश के साथ क्या हो रहा है, और फिर उसके बाद जो दूसरा इफेक्ट रह जाए वो दूसरे अकाउंट का इफेक्ट होगा। नॉन कैश ट्रांजेक्शंस के बारे में हमने कहा था कि क्रेडिट की ट्रांजेक्शंस हो सकती हैं या ये बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शंस हो सकती हैं, और ये क्रेडिट का वर्ड जो है ये उधार से रिलेट कर रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी से उधार पे कुछ चीज़ें परचेज कर ली और आपने उन चीज़ों को, उन इक्विपमेंट को जब आपने परचेज किया और आपने उसकी पेमेंट नहीं की तो फिर आप उसके मकरूज बन गए, वो आपने उधार पे चीज़ें ले ली। तो इस केस में हम पेबल या रिसीवेबल का कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं, और फिर उसकी हमने बहुत सारी अकाउंटिंग एंट्रीज देखी थी। देन वी मूव्ड टूवर्ड्स Day 3। Day 3 में हम लोगों ने ट्रांजेक्शन्स के हवाले से बात की थी कि जब भी हम बिजनेस कोई ट्रांजेक्शन्स करता है तो वो उसको किस तरीके से रिकॉर्ड करता है। हमने ये बात की थी कि बिजनेसेस डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। एक बिजनेस जो सर्विसेज दे रहा है, एक बिजनेस जो चीज़ें परचेज करके सेल कर रहा है, इस तरह के बिजनेस को हम ट्रेडिंग बिजनेस कहते हैं। या एक ऐसा बिजनेस जो कि रॉ मटेरियल परचेज करता है, उसके ऊपर कोई प्रोसीजर परफॉर्म करता है और उसके बाद फाइनल आउटपुट बना के सेल करता है, जिसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कह सकते हैं। परचेज करके सेल करने वाले बिजनेस की जो अकाउंटिंग है वो काफ़ी सीधी होती है। जो ट्रेडिंग बिजनेसेस होते हैं इनकी अकाउंटिंग काफ़ी सीधी होती है, ये इसलिए आपके इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के सिलेबस में शामिल है।
ठीक है, लेकिन रॉ मटेरियल परचेज करके बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे होते हैं, मेजॉरिटी बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो रॉ मटेरियल परचेज करते हैं और रॉ मटेरियल परचेज करके उसके ऊपर कोई प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, उसको उसके ऊपर मशीनों के ऊपर कोई काम करते हैं और मशीनों के ऊपर वो काम करने के बाद वो जो फाइनल आउटपुट है वो उसको सेल करता है। ठीक है जी, अभी आप लोगों के कोई क्वेश्चंस मुझे नज़र नहीं आ रहे और ना मैं ले रहा हूँ, मुझे ज़रा ये चीज़ कंप्लीट कर लेने दीजिए, मैं आपको ऑप्शन दूंगा फिर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं एक ऐसे बिजनेस की जो कि रॉ मटेरियल परचेज करता है और रॉ मटेरियल के ऊपर कोई प्रोसीजर परफॉर्म करके उसको एक फाइनल आउटपुट यानी कि फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है और फिर उस प्रोडक्ट को वो बिजनेस सेल कर देता है। इस तरह के बिजनेस को हम लोग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के जो अकाउंट्स थे वो पुराने सिलेबस में FAR 1 में शामिल थे, लेकिन जब ICAP ने सिलेबस चेंज किया है तो अब वो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के अंदर चले गए हैं। लेकिन बहरहाल उनकी जितनी ज़रूरत होगी, जब ज़रूरत होगी आपको मैं पढ़ा दूंगा। हम लोग बात करते हैं ट्रेडिंग बिजनेस की। एक ऐसा बिजनेस जो कोई चीज़ परचेज करता है और परचेज करके सेल करता है। इसमें चार तरह की ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं, गुड्स परचेज करने की ट्रांजैक्शंस, गुड्स सेल करने की ट्रांजैक्शन। आप पहले परचेज करेंगे और फिर उनको सेल करेंगे। परचेज जब आप करेंगे तो परचेज प्राइस पर रिकॉर्ड करते हैं और जब आप सेल्स करेंगे तो सेल प्राइस पर रिकॉर्ड करते हैं। दिस इज ए सिंपल मंत्रा। अच्छा, इन ट्रांजेक्शन्स के दौरान कभी कैसे भी हो सकता है कि जो परचेजेस की हैं चीज़ें वो आपने वापस कर दी हैं, जिसको हम परचेज रिटर्न कहते हैं, और कभी ऐसे भी हो सकता है कि आपने जो चीज़ें सेल की हैं वो आपको वापस आ जाएं, जिनका हम सेल्स रिटर्न कहते हैं। तो इन चारों तरह की ट्रांजेक्शन्स को एक एक करके हमने देख लिया था और ये भी देखा था कि अगर ये कैश पे हो तो फिर इनको कैसे रिकॉर्ड करना है, और अगर ये क्रेडिट पे हो यानी कि उधार पे हों तो फिर इनको कैसे रिकॉर्ड करना। इसकी एक समरी हम लोगों ने बनाई थी, हम उस समरी की तरफ चलते हैं जनाब। हमने ये कहा था कि अगर चीज़ें सेल्स हों तो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और परचेजेस हों परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे। सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न के केस में भी हमने रेलिवेंट अकाउंट्स आइडेंटिफाई कर लिए थे। तो हमने कहा था कि सबसे पहले ट्रेडिंग का इफेक्ट निकाल लेते हैं, सेल्स होगा। अच्छा, फिर हम लोगों ने ये बात की थी कि क्रेडिट करना है हमने हर उस सिनेरियो में जब चीज़ें आपके बिजनेस से बाहर जा रही हैं। चीज़ें बिजनेस से बाहर कब जाएंगी? जब सेल्स होंगी या जब परचेज रिटर्न्स होंगी। और चीज़ें बिजनेस के पास कब आएंगी? जब परचेज की जाएंगी या आपने कोई सेल्स की थी तो वो आप आके आपको पकड़ा गए, ये पकड़े जनाब अपना सामान हमें नहीं पसंद आया, ठीक है, जिसे आप सेल्स रिटर्न कहते हैं। तो सेल्स रिटर्न और परचेजेस इन दोनों के केस में बिजनेस में चीज़ें आती हैं, इनकमिंग होती है और इनकमिंग को हम लोग डेबिट नेचर के साथ रिलेट कर सकते हैं। आउटगोइंग के केस में हम लोग उसको क्रेडिट नेचर के साथ रिलेट कर सकते हैं। थोड़ा सा ये उल्ट होता है जैसा कि हम लोग कैश के हवाले से बात कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले जब भी कभी कोई सेल्स परचेज, सेल्स रिटर्न या परचेज रिटर्न की ट्रांजेक्शन होती है, हम लोग ये आइडेंटिफाई करेंगे कि फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा। तो जो इसका फर्स्ट इफेक्ट है वो है ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, सेल परचेज, सेल रिटर्न या परचेज रिटर्न से रिलेटेड। तो उसमें हम लोग ये वाला रूल लगा देंगे। और जो सेकंड इफेक्ट है ये हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि अगर तो कैश में ट्रांजैक्शन हो रही है तो सेकंड इफेक्ट कैश को या बैंक को चला जाएगा अगर बैंक से ट्रांजैक्शन हो रही है, और अगर क्रेडिट में ट्रांजैक्शन हो रही है तो फिर उस केस में मैंने आपको कहा कि आप देख लें कि अगर सेल्स या सेल्स रिटर्न है तो डेटर का अकाउंट यूज होगा, परचेज या परचेज रिटर्न है तो क्रेडिटर का अकाउंट यूज होगा। सही है जनाब। सो दिस वॉज द समरी, और ये एक्चुअली मैं उन 75% 76% लोगों के लिए समरी रिपीट कर रहा हूँ जो कि हमारे साथ कल थे और जिन्होंने बताया था कि उन्होंने ऑलरेडी ये चीज़ें कर ली हैं। अगर आपको इनमें कोई भी दिक्कत है तो फिर आपको वो डिटेल्ड लेक्चर्स देखना होंगे जो कि मैंने कल आपके साथ यूट्यूब के लिंक के शेयर किया था। देन वी मूव टूवर्ड्स द अकाउंटिंग प्रोसेस। के अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है? हमने कहा कि इसकी जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है अकाउंटिंग एंट्री वो हमने समझ ली, अकाउंटिंग एंट्री से लेजर्स बनाने का तरीका भी हमने समझ लिया था और लेजर से ट्रायल बनाने का तरीका भी हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था। लेजर से ट्रायल बनाने का जो तरीका है और या एंट्री से लेजर्स बनाने का तरीका, दिस इज जस्ट लाइक ए कॉपी पेस्टिंग। हम लोग एंट्री से चीज़ें उठाते हैं और लेजर्स में पोस्ट करते चले जाते हैं और फिर लेजर्स के टोटल करते हैं और उसकी एक लिस्ट बनाते हैं तो हमारे पास ट्रायल बैलेंस बन जाता है, राइट? तो ट्रायल बैलेंस तक हम लोगों ने बनाना सीख लिया था और
इसमें सिर्फ ये था कि हम लोग जब लेजर्स को क्लोज करेंगे, लेजर्स को क्लोज करने का तरीका हमने देखा था और उसको क्लोज करना सीखा था, और क्लोज करके उसको एक लिस्ट बना के उसको ट्रायल बैलेंस जिसको हम कहते हैं वो बनाना सीखा था। सो दिस वाज द टोटल एक्टिविटी जो हमने परफॉर्म की थी अब तक के अपने लेक्चर्स में, जो हम लोग आईए का रिफ्रेशर कर रहे थे। आप लोगों को के लिए ये रिफ्रेशर ज़रूरी था ताकि आप लोगों की ये चीज़ें तैयार हो जाएं, और फिर उसके बाद हम लोग आगे मूव करेंगे। ट्रायल से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना इज अनदर सिंपल टास्क, और इस सिंपल टास्क की वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करूंगा आज क्लास के बाद, क्योंकि इसके ऊपर क्लास में डिस्कशन करना या इसको मज़ीद आगे लेकर चलना दैट इज़ नॉट एन इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि अभी आगे हमें करनी चाहिए, राइट? तो अभी सबसे पहले आप लोग मुझे बताइए कि अभी तक जो चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं, इफ़ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चन अबाउट दिस यू कैन टर्न ऑन योर माइक और यू कैन टाइप। आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। हाफिज नुमान अली का माइक ऑन है, ऑल दो के जो शायद बोल नहीं रहे हैं, लेकिन यह है कि अगर आपका माइक ऑन हो तो आपके माइक की डिस्टॉर्शन आती रहती है, तो इसलिए बेहतर है कि आप अपना माइक ज़रा एक दफ़ा ऑफ कर लें। ठीक है जी। अच्छा, अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि इफ़ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चन टिल नाउ, तो फिर हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं। एक दफ़ा अगर आप बोलना चाह रहे हैं तो आपने मेरे से पूछ लेना है कि क्या मुझे आवाज़ आ रही है। ठीक है, वेरी गुड। अगर आपका कोई सवाल नहीं है तो इट इज़ बेटर कि आप एक दफ़ा मुझे बता दें कि सर कोई सवाल नहीं है, ताकि फिर हम लोग आगे चलें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं। समवन सेड नो क्वेश्चन, नो क्वेश्चन, क्लियर सर, वेल सो फार, नो क्वेश्चन, नो क्वेश्चन। ओके जी, थैंक यू। अच्छा जी, अकाउंटिंग प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया है हमने, और इस अकाउंटिंग प्रोसेस में मैंने जैसे आपको बताया कि देर इज ओनली वन थिंग रिमेनिंग, विच इज कि हम लोगों ने ट्रायल बैलेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, और ट्रायल बैलेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज जस्ट लाइक ऑर्डरिंग, रीऑर्डरिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं आपके साथ लेक्चर शेयर करूंगा। हम लोग आज के टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट के ये जो हम लोग डेटर्स वगैरह रिसीवेबल्स लिखते हैं, इन रिसीवेबल्स से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनको हम लोग अकाउंटिंग एंट्रीज की फॉर्म में लिखते हैं। ये आपके लिए जिस हद तक ज़रूरी है FAR 1 के कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए, हम आज उसके ऊपर 10-15 मिनट में बात करेंगे। रिसीवेबल्स जिनको हम डेटर्स कहते हैं, इन डेटर्स के मुतालिक देर इज़ अ थिंग कि कभी कभार ऐसे होता है कि ये डेटर्स हमारे लिए, ये जो हमारे रिसीवेबल्स हैं, ये रिसीवेबल्स नहीं रहते। ठीक है जी, दीज आर नो मोर रिसीवेबल्स। तो इसके लिए जो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का जो चैप्टर था, उसमें इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के सिलेबस में आपके पास एक पूरा चैप्टर होता था जिसको हम बैड एंड डाउटफुल डेट्स कहते थे। ठीक है, तो ये जो बैड एंड डाउटफुल डेट्स हैं, इनकी दो बेसिक अकाउंटिंग एंट्रीज होती थी, जैसे कि इनके नाम से ही आपको पता चल रहा है। ठीक है, हम लोग इस कॉन्सेप्ट को कहते थे बैड डेट्स, एंड देर इज अनदर कॉन्सेप्ट विच इज कॉल्ड डाउटफुल डेट्स। डाउटफुल डेट्स और बैड डेट्स, ये दो डिफरेंट टाइप के आपके पास कॉन्सेप्ट्स हैं। पहले हम बैड डेट के कॉन्सेप्ट को बहुत ही क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, क्विकली रिवाइज करेंगे लेकिन एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में इसके सारे कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। अच्छा जी, देखिए, आपने फर्ज करें कि दिस इज योर बिजनेस, और आपने मिस्टर ए को कुछ चीजें सेल की हैं। यू हैव सोल्ड समथिंग फॉर ₹200,000 और उन्होंने 2 लाख रुपए आपको देना है। अगर आप देखें कि आपने इस अकाउंटिंग एंट्री को कैसे रिकॉर्ड किया होगा, तो हम लोगों ने सेल्स की हैं मिस्टर ए को, तो मिस्टर ए हमारे डेटर बन गए हैं, हमारे मकरूज बन गए हैं। हम लोगों ने इसकी एंट्री की होगी डेटर, अकाउंट डेबिट और
उसके साथ हमने मिस्टर ए लिख दिया होगा ताकि हमें अंदाजा रहे कि ये डेटर्स के अंदर से कौन से डेटर हैं, और सेल्स अकाउंट हम लोगों ने क्रेडिट कर दिया होगा बाय द अमाउंट 200,000। अब ये जो मिस्टर ए हैं ये हमारे डेटर हैं, हमारे रिसीवेबल हैं, हमने इनसे पैसे लेने हैं, लेकिन किसी भी वजह से ये अब हम हमें पैसे नहीं देंगे। देयर कैन बी डिफरेंट सर्कमस्टांसेस जिसके ऊपर फॉर एग्जाम्पल ऐसे हो सकता है कि आपका और इनका एक डिस्प्यूट बन जाए, वो कहेंगे जनाब आपने तो हमें पैसे कुछ चीज़ें दी ही नहीं है, मिस्टर ए इन इन चीज़ों से मुकर जाए, वो कहे कि मैंने आपसे कोई चीज़ें नहीं ली हैं, या आप याद करें मैंने आपको पैसे दे दिए थे तो आपने रिकॉर्ड नहीं किए थे, उसमें मेरा क्या कसूर, मैंने तो आपको पैसे दे दिए थे, आपके घर आके आपको पकड़ा के गया था, ठीक है जी। देयर कैन बी एनी टाइप ऑफ डिस्प्यूट। ऐसे हो सकता है कि मिस्टर ए कहे कि यार आपने चीज़ें भिजवाई थी तो वो मेरे गोदाम में ही पड़ी रहेगी, मुझे पता ही नहीं चला, ठीक है, तो वो मेरे पास आती तो मैं उसको रिकॉर्ड करता, मैंने तो कोई सेल्स रिकॉर्ड नहीं किए हैं, आपने अगर सेल्स रिकॉर्ड किया खुद ही घर बैठे बैठे रिकॉर्ड कर ली, मुझे क्या पता आपने जो है ना वो मुझे चीजें भिजवाई थी। तो देयर कैन बी एनी टाइप ऑफ डिस्प्यूट जिसकी वजह से मिस्टर ए पैसे देने से इनकारी हैं, वो कहते हैं कि जनाब आपको पैसे नहीं मिलेंगे। अच्छा, इस सिचुएशन में ये पैसे फौरन से बैड नहीं हो जाएंगे, ये पैसे फौरन से जाया नहीं हो जाएंगे, आपने देखना है कि डिस्प्यूट में आपकी स्टैंडिंग क्या है। अगर आपको लग रहा है कि जनाब ये पैसे तो अब नहीं मिलेंगे, और लगने से ज्यादा आपको श्योर हो गया है कि ये पैसे अब नहीं मिलेंगे, नाउ इट इज योर बैड डेट, ठीक है जी। ये जो अब आपने इनसे रिसीवेबल्स रिकॉर्ड किए हुए हैं ये अब आप रिसीव नहीं कर सकेंगे, ये आपको पैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है जी। सो दिस इज व्हाट वी कॉल बैड डेट। देर कैन बी अनदर सर्कमस्टांसिस के जनाब मिस्टर ए जो हैं ये वफात पा गए हैं, और इनकी वफात के बाद इनका बिजनेस और इनका जो विरासत है वो इस काबिल नहीं है कि ये 2 लाख रुपए जो है वो आपको पे कर सकें, ठीक है। अब इसमें लॉ से रिलेटेड बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं जो कि आप बिजनेस लॉ के कोर्स में पढ़ेंगे, लेकिन ये है कि किसी वजह से अब आप इनसे पैसे नहीं ले सकते, ये फौत हो गए, अब आप ऐसे थोड़ी है कि आप इनके बच्चों को जाकर कहें जनाब तुम्हारे बाप ने 2 लाख रुपए लिए थे तो आप 2 लाख रुपए वापस करो, ठीक है, और इसमें अब आपको वो पैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है जी। देर कैन बी एनी अदर थर्ड सर्कमस्टांस उसके अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि अल्टीमेटली उसकी वजह से आपको अब पैसे नहीं मिलेंगे। अब अगर आप देखें तो सिनेरियो क्या है, सिचुएशन ये है कि आपके पास कुछ पैसे रिसीवेबल आपने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड किए हुए हैं, कुछ डेटर्स आपने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड किए हुए हैं जो अब आपके डेटर्स नहीं है। डेटर्स आपको पता है कि नॉन करंट एसेट्स के अंदर ये रिप्रेजेंट किए जाते हैं, इनको हम अपना एसेट ट्रीट करते हैं डेटर्स को, क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली इन्होंने कैश में कन्वर्ट हो जाना होता है, इन्होंने आपको कैश ला के देना होता है, ये वो रिसोर्सेज हैं जिनकी वजह से फ्यूचर में आपको बेनिफिट होगा, और एसेट की डेफिनेशन जो है वो यही होती है कि फ्यूचर में आपको बेनिफिट होने वाला है इन चीजों से, लेकिन अब ये आपके एसेट्स नहीं है। तो जनाब जब ये आपके एसेट नहीं है तो फिर इसको डेटर्स में से खत्म करना होगा। तो जब भी कोई अकाउंट के अंदर आपको बैड डेट हो जाते हैं तो उसकी अकाउंटिंग एंट्री कुछ इस तरीके से होती है, बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ठीक है जी। अब आप इसको एक्सपेंस आउट कर देंगे, क्यों, क्योंकि ये अब आपका एसेट नहीं रहा, बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट एंड डेटर्स अकाउंट क्रेडिट, राइट। सो दिस विल बी द अकाउंटिंग एंट्री कि पैसे आपको नहीं मिले और ना अब कभी मिलेंगे, तो हम इसको बैड डेट के तौर पे रिकॉर्ड करेंगे, बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट और डेटर्स अकाउंट क्रेडिट। डेटर्स जो थे वो हमारे पास खत्म हो जाएंगे, पहले हमने डेटर्स डेबिट किए हुए थे, इस अकाउंटिंग एंट्री में डेटर्स क्रेडिट हो रहे हैं, 2 लाख से डेबिट और 2 लाख से क्रेडिट, तो इन दोनों का इफेक्ट आपस में जायल हो जाएगा और ये हमारे एक्सपेंस के तौर पे अब रिकॉर्ड हो जाएंगे। सो दिस इज द अकाउंटिंग एंट्री कि अगर हमें पैसे नहीं मिलने तो हम लोग उसको डेटर में नहीं रहने देंगे और बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट और डेटर्स अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। एक दो बात हो गई ये। कभी कभार ऐसे भी हो सकता है, देर कैन बी अनदर सिनेरियो कि मिस्टर ए से आपको 2 लाख की बजाय 1 लाख रुपए मिल गए, 1 लाख रुपए आपको रिसीव हो गए और 1 लाख रुपए जो है वो नहीं मिलेंगे, वो बैड हो गए। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 1 लाख रुपए की रिसीविंग की एंट्री करेंगे। हम लोग जब डेटर से पैसे रिसीव करते हैं तो हम क्या एंट्री करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट और डेटर्स अकाउंट क्रेडिट,
बाय ₹100,000। तो 1 लाख रुपए से हम लोगों को ये पैसे मिले थे, वो हमने रिकॉर्ड कर लिए। और दूसरी एंट्री बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट और डेटर्स अकाउंट क्रेडिट करना होगा 100,000 से। एग्जामिनर भी बड़ा तेज है, वो कहता है जनाब उस बंदे से हमने 2 लाख रुपए लेने थे, 1 लाख रुपया मिल गया, बाकी बैड हो गए। तो बाकी कितने बैड हुए? 2 लाख में से 1 लाख, यानी कि 100,000। तो वो एग्जामिनर आपको कभी कभार बैड डेट की फिगर नहीं बताता, आपको सिर्फ ये बताता है कि इतने मिल गए हैं और बाकी बैड हो गए हैं। तो हम लोग जो बैड डेट्स हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है जी। सो दिस वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ बैड डेट, सही है जी। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट होता है बैड डेट के अंदर जिसे हम कहते हैं इनसॉल्वेंसी। इनसॉल्वेंसी जो है, दिस इज समथिंग के जो बंदा है वो इतना गरीब हो गया है, उसके एसेट्स खत्म हो गए हैं और वो अब कोई भी पैसे आपको पे नहीं कर सकता। आप उसके पास जाते हैं, आप उसे कहते हैं भाई पैसे, वो कहता है जी मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, बस मेरे पास एक गुर्दा बचा है, उस गुर्दे को बेच के तो फिर आप पैसे ले सकते हैं। तो आप तो वैसा नहीं कर सकते, ठीक है, आपके जहन में आ रहा होगा जी बिल्कुल ठीक है, इसका एक गुर्दा निकाल लेते हैं लेफ्ट वाला और उसको बेच के इससे पैसे ले लेते हैं। ऐसे नहीं होता है। इंसॉल्वेंसी इज समथिंग के जब कोई बंदा बिल्कुल उसके तमाम पैसे खत्म हो जाते हैं और उसके तमाम रिसोर्सेज, तमाम एसेट्स खत्म हो जाते हैं, तो फिर जो हमारा लॉ है वो इस बंदे को एक सर्विस प्रोवाइड करता है, इस बंदे को एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ये बंदा मिस्टर ए लॉ के पास जाएगा और उन्हें जाके ये रिक्वेस्ट करेगा कि जनाब मेरे कुछ पेबल्स हैं, वो लोग मुझे रोज आके तंग करते हैं लेकिन मेरे पास तो कुछ पैसे ही नहीं है। ये जो कोर्ट है, लॉ है, ये चेक करेगा कि क्या वाकई ही ये बंदा बिल्कुल 0 रुपीज पे आ गया है। अगर आ गया तो वो इसको एक सर्टिफिकेट दे देगा जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि दिस पर्सन इज इंसॉल्वेंट, ये बंदा जो है ये इंसॉल्वेंट हो गया है और अब कोई भी बंदा इससे पैसे रिकवर नहीं कर सकता, ठीक है जी। तो दिस कैन बी ए सर्कमस्टांस, दिस कैन बी ए सिनेरियो के जो मिस्टर ए हैं ये इंसॉल्वेंट हो गए हैं, इनके पास पैसे नहीं है। तो जनाब इस इंसॉल्वेंसी के केस में इनको गवर्नमेंट की तरफ से, लॉ की तरफ से, एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा और ये सर्टिफिकेट आपको दिखाएंगे। जब आपके डेटर को ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा इंसॉल्वेंसी का, तो भी आपको बैड डेट की एंट्री करनी पड़ेगी, ठीक है। अब इसमें जो भी स्पेसिफिक लॉ के रिक्वायरमेंट्स वगैरह होती हैं वो क्योंकि हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है, हम सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि इंसॉल्वेंसी या बैंकरप्सी का जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है। इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी ये दोनों बाय कॉन्सेप्ट या बाय बेसिक्स सेम है, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है जो इंशाल्लाह आप आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक हो गया जी। तो हम लोग बात कर रहे हैं बैड डेट्स की कि हम किस तरीके से बैड डेट की एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। बैड डेट में कभी कभार ऐसे होता है कि फ्यूचर में वो पर्सन अगर उसने दोबारा अपनी ज़िंदगी में वापस आना है तो वो कुछ कोशिश करेगा, कुछ मेहनत करेगा, किसी दोस्त से उधार पकड़ेगा और अपना बिजनेस दोबारा से चलाना शुरू कर देगा। तो अगर इस तरीके से हो जाए कि वो बंदा आज के बाद, आज से 3, 4, 5, 7, 10 साल के बाद वो कुछ इस सिचुएशन में आ जाए कि बैड डेट्स जो उसके हुए थे वो तो हो गए थे, उससे तो उसकी जान छुट गई है सारी ज़िंदगी के लिए, लेकिन वो अपना बिजनेस शुरू करता है और उसका बिजनेस जो है वो दोबारा से चलना शुरू हो जाता है और वो आपके पास आता है और आपको आके कहते हैं ले जनाब जो पास्ट में आपके पैसे मर गए थे, वो जो आपके रिसीवेबल्स ख़त्म हो गए थे, उन रिसीवेबल्स को आज मैं आपको देने आया हूँ, हालांकि आपने उनको अपने पास से बैड डेट एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन चलें ये मेरे से पैसे ले लें क्योंकि अब अल्लाह का शुक्र है कि मेरा बिजनेस चलना शुरू हो गया है। तो इस सिनेरियो को बैड डेट रिकवर्ड कहते हैं कि आपके कुछ बैड डेट्स हुए और वो बैड डेट्स रिकवर होकर आपको मिल गए, ठीक है जी। अच्छा, ये जो बैड डेट रिकवर्स होते हैं, ये जो रिकवर्ड होते हैं, दीज आर योर अदर इनकम, ठीक है जनाब। तो ये अब देखें ना, आप अचानक चलते चलते आपके, आप सुबह सुबह उठे, आप ऑफिस में जाके बैठे, एक बंदा आके आपको कहता है पहचाना, आपने कहा जी नहीं पहचाना, बस शक्ल थोड़ी थोड़ी जानी पहचानी लग रही है, उसने कहा जनाब मैं वो आदमी हूँ जो आपके पैसे खा गया था, आपने कहा हाँ वही शख्स जिसको गवर्नमेंट ने कहा था कि इससे पैसे नहीं लेने, तो उसने कहा हाँ जी बिल्कुल, तो आपने कहा जी ठीक है, अच्छा आप क्या करने आए, अब तो मैं तुम्हें कोई चीज़ नहीं दूंगा, उसने कहा जी नहीं अब मैं लेने नहीं, अब मैं देने आया हूँ आपको, आपके पैसे वापस करने आया हूँ, वो जो आपने उस वक्त मेरे पे एहसान किया था। तो जनाब वो बंदा आपको
यही मिस्टर ए आज से 10 साल के बाद आपको 2 लाख रुपए वापस कर जाते हैं। तो आपको कैश तो मिल गया, यू विल रिकॉर्ड एंट्री कैश अकाउंट डेबिट बाय ₹200,000। आप क्रेडिट करेंगे बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट को, ठीक है जी, बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट आप क्रेडिट करेंगे बाय ₹200,000। ये जो बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट है, दिस इज योर अदर इनकम। ये चीज जहन में रखिएगा कि जब भी कभी आपको फ्यूचर में बैड डेट रिकवर हो जाए, 2 साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, जब भी कभी, तो आप उसको डेटर में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ये आप बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट जो कि आपकी अदर इनकम होती है उसमें रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि आईकैब ने तकरीबन 2015 से पहले के सॉल्यूशंस के अंदर एक दफा ये काम किया कि बैड डेट रिकवर हुए तो उसको कैश डेबिट और डेटर्स अकाउंट क्रेडिट कर दिया सॉल्यूशंस के अंदर। एक पास पेपर का क्वेश्चन था 2015 से पहले का, मुझे एग्जैक्ट जो है उसकी अटेम्प्ट याद नहीं है। तो वो गलती है, वो कॉन्सेप्ट की गलती है। अक्सर ये होता है कि बच्चे मुझे उसकी तस्वीर सेंड करते हैं, सर देखें इन्होंने तो ये एंट्री की हुई है, वैसे एंट्री नहीं करनी है, ठीक है जी। सो दिस वॉज ए रिविजन ऑफ बैड डेट, कि बैड डेट एक्सपेंस हो जाए तो हम उसकी एंट्री करते हैं बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट डेटर्स अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। और अगर बैड डेट रिकवर हो जाए तो हम कैश अकाउंट डेबिट और बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। दीज वर द टू एंट्रीज जो कि बैड डेट से रिलेटेड थी। अभी इसके बाद देर इज अनदर कॉन्सेप्ट विच इज कॉल्ड डाउटफुल डेट, इसके बारे में बात करते हैं। बैड डेट में अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं अभी। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप मुझे एन लिखकर सेंड कर दें, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि किसी स्टूडेंट का कोई सवाल नहीं है, ठीक है जी। मतलब एन से मुराद है नो, लेकिन क्योंकि नो लिखने में आपको ज्यादा टाइम लगेगा, एन लिखने में आपको कम टाइम लगेगा, तो फिर आप सिर्फ एन लिखकर सेंड कर सकते हैं। अच्छा, आप लोगों ने ये काम करना है कि आप अपना नाम जो कि स्क्रीन पे डिस्प्ले में नजर आ रहा है इसको चेंज करें। पहले आपका नाम होना चाहिए और उसके बाद आपका CRN नंबर होना चाहिए, ताकि हमारी जो अटेंडेंस वाली टीम है उनको अंदाजा हो जाए कि कौन कौन से स्टूडेंट क्लास ले रहे हैं और कौन से स्टूडेंट क्लास नहीं ले रहे। तो दिस इज अ रूल, आप लोगों ने हमेशा ऐसे ही करना है, पहले अपना नाम लिखना है और उसके बाद आपका CRN आपके नाम के अंदर शो होना चाहिए। ठीक है जी, बैड डेट के कॉन्सेप्ट के बाद हम लोग डाउटफुल डेट का कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। ये वो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैंने आपको कहा था कि आपको पता होने चाहिए, और हम लोग इनको क्विकली रिवाइज कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के वो कॉन्सेप्ट्स। अच्छा जी, डाउटफुल डेट्स जो है ना, ऐसे हैं कि जो आपके डूब रहे हैं पैसे, ठीक है। इसमें आपको वो गाना याद आना चाहिए कि वो जो कहता है कि जी मैं डूब रहा हूँ, अभी डूबा तो नहीं हूँ। तो जो पैसे डूब चुके हैं वो आपके बैड डेट हैं, और जो डूब रहे हैं और अभी डूबे नहीं हैं वो हमारे डाउटफुल डेट्स होते हैं। अब डाउटफुल डेट के जो सिनेरियोज होते हैं वो आपको पहले से पता चलना शुरू हो जाते हैं। आप जैसे फॉर एग्जांपल, आपने किसी पर्सन को कुछ पैसे उससे कुछ पैसे लेने हैं, आपने उसको कुछ चीज़ें सेल की हैं, और आप उसके पास जाते हैं और आप उसे कहते हैं कि यार वो मेरे पैसे दे दो। फॉर एग्जाम्पल, अब हम मिस्टर बी की एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्योंकि मिस्टर ए को जो है वो बैड हो चुके हैं। मिस्टर बी को भी आपने कुछ 3 लाख रुपए की चीजें सेल की थी, ठीक है। आप उसके पास गए, आपने कहा भाई पैसे, उसने कहा यार इस दफा तो जो है ना वो बड़ा मसला हो गया, फलां काम हो गया, कोरोना आ गया, लोग छुट्टियों पे चले गए, हमारी सेल बंद हो गई, तो यार चलो ऐसे करो तुम ना थोड़े दिनों बाद आके मेरे से पैसे ले लेना। आप थोड़े दिनों बाद गए तो उसने कहा कि यार बैठो चाय पियो, असल में हमारे पास पैसे कम हो गए हैं, तो मेरे पास जो कैश था वो मैंने अपने जो स्टाफ है उनकी सैलरीज को दे दिया है, उनकी सैलरीज में सारा कैश चला गया है, तो आपकी बड़ी मेहरबानी, आप थोड़ा सा वक्त जो है वो इंतजार कर लें। आपने कहा ठीक है। आपने तीसरी दफा उसे कॉल की, यार आज तो मैं पैसे लेने आ रहा हूँ। आप गए तो उसने आगे एक मौलवी साहब को बिठाया हुआ था, जैसे ही आप पहुंचे उस मौलवी साहब ने जो है ना वो आपको कहा कि यार छोड़ो यार पैसे, क्या सारे पैसे यहीं पर रह जाने हैं, तुम जो है ना ये पैसे छोड़ दो और जो है ना वो थोड़ा सा इस बेचारे को वक्त दे दो। आपने उस शरीफ आदमी का मुंह देखा और आपने फिर दोबारा वक्त दे दिया। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो कस्टमर है उसको कैश फ्लो की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो आपको पे नहीं कर पा रहा, उसके पास से उसकी जेब से इतने पैसे नहीं निकल रहे कि वो आपको पे कर पाए। अब
आप उसे जाके कहते हैं हाँ भाई पैसे, वो कहता है जनाब मैं दूंगा, मैं ऐसे थोड़ी, अल्लाह माफ करे, मैं आपके पैसे लेके भाग थोड़ी जाऊंगा, मैं पैसे पीता नहीं हूँ, ये पैसे आपके हैं, मेरे ऊपर हराम है। लेकिन आप जब उसे कहते हैं पैसे दो, तो वो कहता है सर मैं दे दूंगा लेकिन अभी मेरे पास नहीं है। इसे हम कहते हैं कैश फ्लो प्रॉब्लम्स, के जो कस्टमर है उसको कुछ कैश फ्लोज की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कैश मैनेज नहीं हो रहा उसे। दिस इज ए ग्रेट इंडिकेशन कि आपके पैसे डूब रहे हैं, ठीक है, डाउटफुल हो गए हैं ये पैसे, ये डेट्स डाउटफुल हो गए हैं, आपको शायद ना मिले, ठीक है जी। सो दिस इज ए ग्रेट इंडिकेशन कि जनाब आपके पैसे ये डूब रहे हैं, आपको अब नहीं मिलेंगे। एक और सिनेरियो हो सकता है कि आपका जो कस्टमर है मिस्टर ए, वो आपको पैसे नहीं दे पा रहा क्योंकि उसका बिजनेस ही नहीं चल रहा, उसका बिजनेस जो है वो आउट ऑफ फैशन हो गया है, आउट ऑफ फैशन, या उसका कुछ सीजनल बिजनेस था और वो जो सीजनल बिजनेस है वो अब उसका सीजन खत्म होता जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, वो बंदा आइसक्रीम बेचता है और सर्दियों में, अब सर्दियां आनी शुरू हो गई हैं और सर्दियों में अब आइसक्रीम कोई नहीं बेचता, खैर हमारी आवाम इतनी ठंडी है तो वो सर्दियों में जाके आइसक्रीम खाती है और फिर जो है वो मशहूरी आती है कि ठंड को ठंड कराएं। बट अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसा बिजनेस है जो आउट ऑफ फैशन होता जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल उसका रिस्ट वॉच का या वॉल क्लॉक का बिजनेस है। अब हमारी आवाम 100 में से 99 लोग ऐसे हैं जो या शायद 1000 में से 999 लोग ऐसे होंगे जो रिस्ट वॉच नहीं पहनते, तो और आपने किसी रिस्ट वॉच वाले बंदे को कुछ प्रोडक्ट सेल कर दी है और वो कहता है जनाब वो मेरी तो चीजें सेल होंगी, कुछ पैसे आएंगे तो फिर ही मैं आपको दूंगा। अगेन ये जाती तो कैश फ्लो प्रॉब्लम्स ही हैं, लेकिन उसको कुछ कैश फ्लो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उसका बिजनेस आउट ऑफ फैशन जा सकता है, उसके बिजनेस के ऊपर गवर्नमेंट की कुछ हैवी इश्यूज या टैक्सेस या ड्यूटीज लग सकती हैं, यानी कि किसी भी वजह से अब आपको लग रहा है कि वो आपके पैसे नहीं दे पाएगा, आपके पैसे डूब रहे हैं। अब बैड और डाउटफुल में जो डिफरेंस है वो है श्योरिटी का, ठीक है जी। बैड में यू आर श्योर कि अब आपको पैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है, और डाउटफुल में आप सस्पेक्ट कर रहे हैं, आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि ये पैसे अब आपको नहीं मिलेंगे, तो इन दोनों में ये डिफरेंस है, सही है जनाब। अच्छा चलिए, बैड डेट के केस में तो हम लोग बात करते हैं कि इसकी सीधी सी एंट्री कर ली, बैड डेट अकाउंट डेबिट और डेटर्स अकाउंट क्रेडिट। हाउएवर, क्योंकि अभी एसेट्स आप, ये जो रिसीवेबल्स है ये आपके डाउटफुल हैं, आपको लग रहा है कि ये पैसे नहीं मिलेंगे, तो हमें प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जनाब अगर कभी आपको इस तरह से डाउट हो रहा है कुछ एक्सपेंसेस के ऊपर, तो इट इज बेटर कि आप उन एक्सपेंसेस को अभी रिकॉर्ड कर लें, ठीक है जी। ये जो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है ये कहता है कि जो एक्सपेंसेस हैं ये अंडरस्टेटेड नहीं होने चाहिए, आप लाजमी तौर पे अपने एक्सपेंसेस को प्रॉपर टाइम पे रिकॉर्ड करें। अगर आपको लग रहा है कि कुछ एक्सपेंस हो जाएगा और आप सस्पेक्ट करना शुरू हो गए हैं, तो फिर इट इज बेटर कि उस सस्पिशन को अभी से अपने पास रिकॉर्ड कर लें। एक्सपेंसेस के केस में प्रूडेंस ये कहता है कि जनाब एक्सपेंसेस जो हैं ये अंडरस्टेटेड नहीं होने चाहिए, ये एक्सपेंसेस जो हैं ऐसे ना हो कि कुछ एक्सपेंसेस आपको लग रहे हैं कि ये होंगे लेकिन फिर भी आप उन्हें रिकॉर्ड ना करें। तो जो आप डाउटफुल डेट्स जो हैं, जब आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमारे एक्स वाई जी एक्सपेंसेस जो हैं ये डाउटफुल हैं, तो फिर आप उनकी एंट्री करते हैं कुछ इस तरीके से कि बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। देखिए आप उसको एक्सपेंस में ही लेके जा रहे हैं, तो आप उसको एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहे हैं, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट, राइट। अच्छा जी, ये जो बैड डेट एक्सपेंस है, दीज आर योर एक्सपेंसेस, क्योंकि हम लोगों ने ये बात की कि ये एसेट डाउटफुल हैं तो हम इनको एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड कर देंगे, तो यही एंट्री हम लोग बैड डेट के केस में भी कर रहे होते हैं। बैड डेट के केस में क्या कर रहे होते हैं, बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट एंड डेटर्स अकाउंट क्रेडिट, तो बैड डेट को डेबिट कर रहे हैं, इधर भी बैड डेट को डेबिट कर रहे हैं। सो एक्चुअली वी आर रिकॉर्डिंग द एक्सपेंस, लेकिन हम डेटर्स में से वो अमाउंट माइनस नहीं कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि अभी हमें सिर्फ सस्पेंस हुआ है, सस्पिशन हुई है, तो हमने सस्पिशन के लिए एक सस्पिशन अकाउंट बना दिया है जिसे हम प्रोविजन अकाउंट भी कहते हैं, ठीक है। तो प्रोविजन इज एक्चुअली ए सस्पिशन अकाउंट, कि जब हम कोई एक्सपेंस सस्पेक्ट करते हैं कि फ्यूचर में होगा तो उस वक्त हम उसे रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है जी। तो दिस इज द एंट्री। अब फर्ज करें कि
हम लोगों ने ये सस्पेंस कर लिया है, हम लोगों ने ये सस्पेक्ट कर लिया है कि पूरे का पूरा 3 लाख हमें नहीं मिलेगा, तो हम लोग एंट्री करेंगे 300,000 बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट, राइट? ठीक हो गया। तो ये जो सस्पिशन हम लोग क्रिएट करते हैं, ये हम इसी तरीके से क्रिएट करते चले जाते हैं। हर साल के एंड पे हम अपने तमाम डेटर्स को चेक करते हैं और फिर उसके बाद आइडेंटिफाई करते हैं कि कितने हमारे सस्पिशंस होने चाहिए, कितनी हमारी प्रोविजंस रिकॉर्ड होनी चाहिए, राइट? अब फर्ज करें कि नेक्स्ट ईयर हम लोग दोबारा से ये आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे पास कुछ डेटर्स हैं जो अब हमें रिसीव नहीं हो सकेंगे। हम लोग फिर प्रोविजन का अकाउंट बनाते हैं। प्रोविजन के अकाउंट की नेचर समझ लीजिएगा, सेकेंड ईयर में या सबसीक्वेंट ईयर्स में हम लोग प्रोविजन को किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। सबसीक्वेंट ईयर्स में प्रोविजन का अकाउंट बनता है। प्रोविजन का अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस जो कि पिछले साल से आ रहा है वो हम लोग क्रेडिट साइड पे लिखते हैं और फिर उसके बाद अब हम दोबारा ये आइडेंटिफाई करेंगे कि अब इस साल के एंड पे यानी कि सबसीक्वेंट ईयर के एंड पे हमारे पास कितने अमाउंट ऐसी है जो सस्पिशन में है, जो कि सस्पेंसफुल है, जो कि हमें लगता है कि नहीं मिलेगी। लेट्स सपोज के उस वक्त भी मिस्टर बी ही थे जिनसे हमने पैसे लेने थे और हमें लग रहा था कि ये अभी भी हमें नहीं दे पाएंगे और उनसे जो अमाउंट थी वो थी 300,000। तो हमारा जो क्लोजिंग प्रोविजन होगा वो 300,000 होगा। अब इसका मतलब ये है कि ओपनिंग भी 300, क्लोजिंग भी 300, देयर इज नो मूवमेंट ड्यूरिंग दिस ईयर। तो इस साल हम लोग बैड डेट एक्सपेंस डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट कोई एंट्री नहीं करेंगे। हमारा इस साल का बैड डेट का जो एक्सपेंस है जो कि हम लोग प्रोविजन के थ्रू रूट कर रहे हैं वो कोई भी नहीं है, वो जीरो है। लेट सपोज कि हम लोग ये कहते हैं कि मिस्टर बी के अलावा कुछ और मिस्टर सी भी थे, ये जो ए बी सी वाले होते हैं ना, ये सारे ही 2 नंबर होते हैं, ये सारे ही जो है ये अब अपने पैसे वापस नहीं कर पाएंगे। तो मिस्टर सी जो है ये भी अपने पैसे वापस नहीं कर पाएंगे और हमारे पास जो क्लोजिंग प्रोविजन है वो है जी 700,000। तो क्लोजिंग प्रोविजन अगर 700,000 की है तो इसका मतलब ये है कि हमने 3 लाख रुपए की प्रोविजन ऑलरेडी पिछले साल रिकॉर्ड की थी, अब हमने 7 लाख की प्रोविजन रिकॉर्ड करनी है। सो दिस इज सेट टू बी एन इंक्रीज इन प्रोविजन जिसको हम लोग बैड डेट में रूट करेंगे। तो बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा और प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट, प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा बाय ₹400,000। तो यानी कि आपने पहले साल जितनी आपकी प्रोविजन है वो आपने रिकॉर्ड कर ली, उसके बाद सबसीक्वेंट ईयर्स में जो चेंज होगा प्रोविजंस के अंदर सिर्फ और सिर्फ वो रिकॉर्ड करेंगे। देर कैन बी अनदर सर्कमस्टांस के जिनमें आपकी प्रोविजन में कमी आ रही है। दिस सिनेरियो वाज कि देर इज एन इंक्रीज इन प्रोविजन, तो सबसीक्वेंट ईयर्स में या तो प्रोविजन में इंक्रीमेंट आ सकता है या प्रोविजन में डिक्रीज आ सकता है। ठीक है जी, चलें इस सिनेरियो को डिस्कस करते हैं। देखें, हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारे पास प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस था 300,000 और ये आपको याद होगा कि हमने किससे पैसे लेने थे, मिस्टर बी से पैसे लेने थे। सबसीक्वेंट ईयर में यानी कि दूसरे साल में क्या काम हुआ कि मिस्टर बी ने कुछ पैसे दे दिए, मिस्टर बी ने आपको 1.5 लाख रुपया पे कर दिया जिसकी आपने एंट्री भी कर दी होगी। जिसकी आपने क्या एंट्री की होगी, आपने कहा होगा कैश अकाउंट डेबिट और डेटर्स अकाउंट क्रेडिट बाय ₹150,000, 150,000, राइट? ये आपने एंट्री रिकॉर्ड कर दी। अब क्या हुआ, मिस्टर बी साहब आपने कितने पैसे लेने हैं, 150,000, 1.5 लाख रुपए उसने दे दिया और 1.5 लाख रुपए रह गया। इस अमाउंट को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ताकि हमें डिफरेंट फिगर्स नजर आए। मैं कहता हूं कि उसने 2 लाख रुपए दे दिए और 1 लाख रुपया उससे रिसीवेबल रह गया, तो कैश 200,000 और डेटर्स 200,000। अब उससे रिसीवेबल है 1 लाख रुपया। अब आपको लग रहा है, अब आपको और श्योर हो गया है कि यार इसने मर मर के 2 लाख रुपए दिए हैं, ये 1 लाख रुपए मजीद कैसे देगा। तो ये पैसे तो मजीद सस्पेंसफुल हद तक चले गए हैं, ये तो अब आपको लगता है कि डूबे ही डूबे, ठीक है? अच्छा, लेकिन आप उसे कहते हैं हाँ भाई दोगे पैसे, तो वो कहता है हाँ जी बिल्कुल दूंगा, वो मना नहीं कर रहा। यानी कि ये बैड नहीं हुए हैं,
जब तक डेटर मना नहीं करेगा कि आपको पैसे मैं नहीं दूंगा या नहीं दे सकता, जाओ जो करना है कर लो, उस वक्त तक हम उसको बैड डेट की एंट्री में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हम लोग उसको यहाँ पे प्रोविजन के तौर पे रिकॉर्ड करते चले जाएंगे। अब इस साल के एंड में हमारे पास जो प्रोविजन आ रही है वो कितनी आ रही है, 100,000 की आ रही है, तो हम क्लोजिंग प्रोविजन लिखेंगे 100,000। तो हमें पता चलेगा कि जनाब ये जो प्रोविजन का अकाउंट है इसमें तो कमी आ गई है। ये जो कमी आएगी ये भी हमने बैड डेट अकाउंट में ही मूव करनी है। तो प्रोविजन के अकाउंट में जितनी भी चेंजेस आएंगी, चाहे वो अपवर्ड हैं या डाउनवर्ड है, हम लोग उनको बैड डेट के अकाउंट में ही मूव करेंगे। तो इसकी जो अकाउंटिंग एंट्री होगी वो होगी प्रोविजन अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट। एंड बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट बाय ₹200,000। अब देखें क्या हुआ कि जैसे ही आपको कुछ पैसे रिकवर हुए, हम लोगों ने उतनी ही अमाउंट से बैड डेट को क्रेडिट करके प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को डेबिट कर दिया, यानी कि उल्टा कर दिया जो हमने प्रोविजन रिकॉर्ड की थी। तो ये सारा का सारा प्रोसीजर इसी तरीके से चलेगा और आप इसी तरीके से इसको रिकॉर्ड करते चले जाएंगे। मीनवाइल जब भी कभी आपको ये पता चलेगा कि ये पैसे अब बैड हो गए हैं और वो अब बाकी पैसे आपको नहीं देगा, तो प्रोविजन का जो भी काम है वो तो आप करते जाएंगे, लेकिन अगर पैसे बिल्कुल बैड डेट में चले गए हैं, पैसे डूब चुके हैं, तो फिर आप बैड डेट वाली एंट्री रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है। और प्रोविजन के साथ जो प्रोविजन का क्लोजिंग हम हर दफा अलग से कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर उसका इफेक्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सो दिस वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ बैड एंड डाउटफुल डेट। उम्मीद आपको समझ आई होगी। आप लोगों ने बस इसकी एंट्रीज को जहन में रखना है और इन एंट्रीज को ही फॉलो करना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम लोग अपने सेशन को खत्म कर रहे हैं। आज हमने बैड एंड डाउटफुल डेट के कॉन्सेप्ट को समझा है। इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने आज एक तो वो जो ट्रायल से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का जो कॉन्सेप्ट है उसको फॉलो करना है, उस वीडियो को देखना है, और दूसरा आज जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और डाउटफुल डेट का जो कॉन्सेप्ट हमने रिवाइज किया है, आई एम श्योर कि आप लोगों ने पहले भी इसको किया होगा, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का टॉपिक है, इसीलिए मैंने ये एक क्विकली रिवीजन आपको दिया है ताकि आपको ये चीज़ें याद हो जाएं, फिर हम लोग आगे FAR1 का सिलेबस कंटिन्यू कर सकें, ठीक है जी। चलें जी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैसेजेस का रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया है। अगर कोई सवाल है तो आप लोग पूछ लें। आज हमारी क्लास 9 बजे तक ही होगी और इंशाल्लाह जैसे ही कुछ चीज़ें सेटल डाउन होती हैं तो फिर हम लोग अपनी क्लास को 9:15 बजे तक किया करेंगे जी, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। नुमान खानसा, आप लोगों ने तो पहले भी इसको पढ़ा हुआ है मेरे से, इसलिए मुझे अंदाज़ा है, आई एम श्योर कि आप लोगों को इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। बाकी बच्चे भी अगर मुझे रिस्पॉन्ड कर दें, अब्दुल बासित जी शुक्रिया। हाँ जी, एक दो प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा आज, वो आपने करने हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है जी। मामून अकरम ने कहा है, अब क्योंकि आपने सबको ही मैसेज सेंड कर दिया है इसलिए सबको आपका मैसेज नजर आ रहा है, इसलिए मैं आपका नाम ले सकता हूँ, ठीक है। इसको हम लोग समराइज भी कर लेंगे। मैं आपको एक समरी शीट सेंड कर दूंगा जिसपे सारी प्रोविजन की एंट्रीज लिखी हुई हैं, जो मैंने स्लाइड्स बनाई हुई हैं वो मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में। आप मेरे से रिक्वेस्ट कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा, वो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है जनाब। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। कल इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। कल हम लोग अग्रूवल एंड प्री पेमेंट्स का कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।